हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कुक डेली में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्जी। आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टिंग बनकर तैयार हो जाएगी। खाने में बहुत स्वादिष्ट बनी है, आप देख सकते हैं कितना रिच बनी है मटर पनीर की सब्जी। तो इस तरीके से फेस्टिवल पर आप बना सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, एक बार खा लेंगे तो आप रेस्टोरेंट ढाबा जाना भूल जाएंगे, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए इस रेसिपी के हम शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट ढाबे से भी अच्छे मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ पर हम 500 ग्राम हम पनीर ले लिए हैं। अभी नहीं, हम छोटे छोटे पीस में हम मीडियम साइज के हम कट कर लेंगे। मटर पनीर के ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर 3 हम मीडियम साइज के हम अनियन ले लिए हैं, 4 हम टमाटर ले लिए हैं। अभी इन्हें पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज, अनियन और पनीर हम कट कर लिए हैं। गैस के हम ऑन कर देंगे। अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। अब इसी में डाल देंगे 2 छोटी चम्मच ऑयल के अच्छे से हम गरम कर लिए हैं। अब इसी में डाल देंगे कट किया हुआ अनियन, इन्हें 1 मिनट अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 हम काजू ले लिए हैं। काजू डालने से मटर पनीर के सब्जी में और भी ज़्यादा रिच बढ़ता है। यहाँ पर ले लिए हैं 3 से 4 हम लहसुन के कली ले लिए हैं, 1 इंच अदरक के टुकड़ा ले लिए हैं, 3 से 4 हम हरी मिर्च ले लिए हैं, 4 हम इधर हम टमाटर कट करके हम डाल दिए हैं, 1/2 छोटी चम्मच हम नमक डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार। 7 से 8 मिनट अच्छे से इन्हें हम फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसे कवर करके अब फ्राई कर लीजिए। उधर फ्राई हो रहा है तब तक इधर हम पनीर के हम फ्राई कर लेते हैं। तो 1 बड़ी चम्मच हम बटर ले लिए हैं, बटर गर्म हो गया, इसी में हम पनीर के डाल दिए। थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे तो पनीर में बहुत अच्छी कलर आ जाएगी। इस तरीके से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगता है। इन्हें पलट कर इस तरीके से आप फ्राई कर लीजिए। तो पनीर के अच्छे से हम फ्राई कर लिए, आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छी आ गई है, पनीर भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इन्हें ठंडा होने के लिए 2 से 3 मिनट हम छोड़ देंगे। आप चाहे तो फैन के नीचे छोड़ दीजिए, जल्दी ठंडा हो जाएगी। तो प्याज टमाटर अच्छे से ठंडा हो गई है। यहाँ पर अब लेंगे हम मिक्सी ग्राइंडर। मिक्सी ग्राइंडर में हम सारे चीज़ हम डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी हम ऐड कर देंगे। ऐड करके इन्हें हम पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बना के इधर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब मटर पनीर के हम सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, 2 बड़ी चम्मच हम ऑयल डाल दिए हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गई है, इसी में डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 हम तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 हम लौंग डाल दिए हैं। अब इन्हें 2 मिनट अच्छे से हम लो फ्लेम पर हम इन्हें हम भून लिए हैं। अब इसी में मसाले 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। तो फ्लेम के आपको लो कर लेना है। लो फ्लेम पर इन्हें हम 2 मिनट भून लेंगे। तो मसाले अच्छे से भून गई है। अब इसी में हम डाल देंगे पेस्ट तैयार करके रखे हैं ना, ये हम डाल देंगे। डालकर मसाले के हम मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करके लो फ्लेम पर इन्हें हम 6 से 7 मिनट अच्छे से हम मसाले के पका लेंगे ताकि अच्छे से ऑयल रिलीज हो जाएगी। मिक्सी ग्राइंडर में लगा हुआ था तो इसी में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके हम मिक्स करके डाल दिए हैं। अब इन्हें हम कवर कर देंगे और कवर करके इन्हें हम अच्छे से हम पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़ी चम्मच दही। इसके जगह आप चाहे तो दूध के मलाई भी डाल सकते हैं। अब इन्हें कंटिन्यू हम 2 मिनट चला लेंगे, नहीं तो आपके दही आपको मसाले में जाते फट जाएगी। तो इस तरीके से 2 मिनट चला लीजिए। आप देख सकते हैं मसाला भी अच्छे से भून गया है। तो दही डाल के हम 3 मिनट मसाले के हम भून लिए हैं। तो मसाले अच्छे से भून गई है, आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छी आ गई है, मसाले में तेल भी रिलीज हो गया है, एकदम दानेदारी मसाले हो गई है। अब यहाँ पर बॉईल किया हुआ हम मटर ले लिए हैं, तब ताज़ी मटर लिए हैं। अब फ्रोजन मटर ले रहे हैं तो 5 मिनट इसमें डाल के मसाले में पका लीजिए। 1 कटोरी हम मटर डाल दिए हैं, डाल के 2 मिनट अच्छे से मटर के इसमें हम पका लेंगे। अब इसी में हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हम नमक डाल देंगे। तो नमक हम पहले से भी हम गैस डाल रखे हैं, तो आप अपना स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। अब अच्छे से इन्हें भून लिए हैं, भून गई है अच्छे से मसाला। अब इसी में हम डाल देंगे हम 1 कप पानी ले लिए हैं। अब इसमें ऐड करके हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो ग्रेवी अपना कम बेस रख सकते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, रोस्टेड कसूरी मेथी हम इसी में मसाल के हम डाल देंगे। बहुत अच्छा कसूरी मेथी से मटर पनीर में स्वाद आता है, तो आप ज़रूर डालें गाइस। अब इसी में डाल देंगे हम पनीर, हम फ्राई किया हुआ रखे थे पनीर, अब इसी में पूरा हम ऐड कर देंगे और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करके लो फ्लेम पर इन्हें हम 2 से 3 मिनट अच्छे से हम पका लेंगे ताकि इसमें गरम मसाला के इसमें फ्लेवर आ जाएगी।
अब यहाँ पर हम पका लिए हैं पनीर के 2 मिनट। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रेवी इसमें एकदम गाढ़ी हो गई है। तो मटर पनीर इधर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत रिच बनी है, मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसी स्टेज पर गैस के हम ऑफ कर दिए हैं, इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। अब चलिए इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए ढाबे या रेस्टोरेंट से भी अच्छी हमारी मटर पनीर बनकर हो गई है तैयार। आप देख सकते हैं देखने से भी पता चल जा रहा है कितना अच्छी बनी है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो इन्हें रोटी पूरी नान राइस के साथ में भी आप सर्व कर सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनी है। एकदम इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत रिच बनी है, खाने बहुत स्वादिष्ट लगेगी। इस त्योहारों पर आप ज़रूर बनाएं, इस तरीके से बनाना बहुत आसान है। तो चलिए इस रेसिपी का हम मेन करते हैं। तो आज की रेसिपी पसंद आती तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।